अगर आपको भी काले और घने लंबे बाल चाहिए तो आज की रेमेडी आप बिल्कुल ट्राई करें। बहुत ही अच्छा बेनिफिट वाला रेमेडी है। पसंद आए तो ब्यूटी स्टाइल पूजा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले देख सकते हैं, मैंने भिंगराज के कुछ पत्ते ले लिए हैं और एक एलोवेरा लीव ले लिया है आधा कट करके। ये रात में मैंने मेथी दाना 2 चम्मच भिगो के रखा था। अब चलिए देखते हैं इसका बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले मेथी दाना को हम मिक्सर जार में डाल लेंगे, जितना वाटर है वो भी डाल लेंगे। उसके बाद जो भिंगराज के पत्ते हमने धो के रखे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये रेमेडी ऐसी है जो आपके बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो भी यूज कर सकते हैं, अगर ज़्यादा झड़ रहे हैं तो भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके बालों का ग्रोथ नहीं है तो भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्सर जार में ग्राइंड कर लीजिए, एकदम महीन सा पेस्ट बना लीजिए। देख सकते हैं पेस्ट बन के तैयार हो गया है। उसके बाद इस पेस्ट को निकाल लीजिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जैसा जो लीव लिया है मैंने कट करके निकाल लिया अच्छे से जेल। उसके बाद इसमें छोटा सा टुकड़ा हम प्याज का डाल देंगे। प्याज जो है आपके बालों के हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, आपके बालों को लॉन्ग करता है, लंबा करता है, शाइनिंग करता है। इसको अच्छे से मिक्सर जार में पीस के मैंने देख सकते हैं पेस्ट बना लिया। उसके बाद इसको अपने पूरे बालों को रूट में उसके बाद लेंथ में लगाइए, 1 घंटा रखिए। उसके बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए, रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा। आप वीक में 2 बार लगा के देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए।